हाय देयर, ये ECO401 इकोनॉमिक्स की हाइलाइटेड लेसन सीरीज का लेसन नंबर 37 है, जिसके अंदर आपको हाइलाइटेड मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये हाइलाइटेड लेसन भी, ये हैंडआउट भी आपसे शेयर किया जाएगा। इसका टाइटल है द फोर बिग मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज एंड देयर इंटर रिलेशनशिप कंटिन्यूड। तो इसके अंदर सबसे पहले है डिटरमिनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। सो जो पहला डिटरमिनेंट है वो है मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की अट्रैक्टिवनेस, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, यानी कि जो अमनो अमान की सूरत हाल है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट है किसी भी कंट्री के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के इनफ्लो के लिए। और जितनी ज़्यादा बेटर सिचुएशन होगी उतना ही ज़्यादा इनफ्लो एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और जो जितनी ज़्यादा फेवरेबल जो है वो इंटरनेशनल कंडीशन होंगी बोरिंग की, तो उतना ही इजली एक कंट्री जो है वो रेज कर सकता है फॉरेन डेट को। और अगर फॉरेन इंटरेस्ट रेट जो है वो लोअर है डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट के मुकाबले में, तो जो फॉरेन पोर्टफोलियो के इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे डोमेस्टिक कंट्री के स्टॉक, बॉन्ड्स और दूसरे इंटरेस्ट बेयरिंग एसेट्स के अंदर। अब कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ अ पाकिस्तानी गुड रिलेटिव टू अ US गुड रियल एक्सचेंज रेट, कंपैरिजन है पाकिस्तानी गुड और रियल सॉरी US के जो गुड्स हैं उनका। सो नॉमिनल एक्सचेंज रेट NER से इसको डिनोट किया जाता है, इज द प्राइस, प्राइस है इन डोमेस्टिक करेंसी ऑफ 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी कि फॉरेन करेंसी के मुकाबले में डोमेस्टिक करेंसी के कितने यूनिट्स होंगे, कितने यानी कि कितने यूनिट डोमेस्टिक करेंसी के बराबर होंगे फॉरेन करेंसी के 1 यूनिट के, यानी कि कितने रुपीस का 1 डॉलर होगा। सो सी जो है वो बराबर है RER के, यानी कि रियल एक्सचेंज रेट, और वो बराबर है PF विच इज़ द प्राइस ऑफ फॉरेन गुड डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ डोमेस्टिक गुड मल्टीप्लाई बाय NER यानी कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट। सो अगर प्राइस जो है फॉरेन गुड्स का ऊपर जाता है तो पाकिस्तानी गुड्स जो है वो रिलेटिवली चीपर होंगे, और अगर नॉमिनल एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट करता है जबकि प्राइस जो है वो गुड्स के सेम है डोमेस्टिक गुड्स के भी और फॉरेन गुड्स के भी, तो पाकिस्तानी गुड्स जो है वो चीपर हो जाएंगे फॉरेन बायर के लिए। और अगर प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स डिवाइडेड बाय प्राइस इन डोमेस्टिक गुड्स फॉल हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में रियल एक्सचेंज रेट फॉल हो जाएगा, कॉम्पिटिटिवनेस फॉल होगी और करंट अकाउंट जो डेफिशिएट है वो बिगड़ जाएगा, और नॉमिनल एक्सचेंज रेट को लाजमी एडजस्ट होना होगा। उसके बाद है कंपेरिजन दिखाया जा रहा है कि अगर इन्वेस्टमेंट की जाए होम एट होम पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए या US के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए, तो ये कंपैरिजन की एक एग्जांपल है। और डॉलर जो है वो 6 रुपीस का डॉलर है। सो पाकिस्तान के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट की जाएगी तो कोई भी कन्वर्जन रिक्वायर्ड नहीं है, और पाकिस्तान में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 10%। तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने की वजह से साल के आखिर में जो है वो 60 रुपीस अगर इन्वेस्ट किए जाएंगे तो उस साल के आखिर में 66 रुपीस मिलेंगे। लेकिन अगर US के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है तो US के अंदर 3% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, और 3% इंटरेस्ट रेट की वजह से साल के जो आखिर में पैसा मिलेगा वो मिलेगा 61.8, यानी कि होम पे इन्वेस्टमेंट करना, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना इस सिनेरियो के अंदर बेटर है। लेकिन एक दूसरा केस भी है, यहाँ पे तो एक्सचेंज रेट में कोई चेंज नहीं आया। अब यहाँ पर जब एक्सचेंज किया जा रहा है तो रुपीस के अंदर तो उतना ही मिल रहा है 66 रुपीस, लेकिन जब डॉलर के अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है US के अंदर, तो डॉलर जो है वो एप्रिशिएट कर गया, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। अब डॉलर की वैल्यू बढ़ने की वजह से इंटरेस्ट रेट तो US के अंदर 3% ही है, लेकिन डॉलर हो गया 66 रुपीस का। तो जो इन्वेस्टमेंट के बाद अमाउंट मिलेगा साल के आखिर में वो मिलेगा 67.8। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर US के अंदर इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर होगा। सो इंटरेस्ट रेट पैरिटी है अब आपके सामने, ये एक आर्बिट्राज कंडीशन होती है जो कि सजेस्ट करती है रिलेशनशिप इंटरेस्ट रेट के दरमियान स्पॉट एक्सचेंज रेट और फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट्स के दरमियान। सो IG अगर बराबर है IF प्लस चेंज इन EE, सो इसका मतलब ये है कि डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट जो है वो बराबर है फॉरेन इंटरेस्ट रेट प्लस एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन। अब जो ऊपर वाली मिसाल है ये वही चीज़ है, इक्वेशन फॉर्म के अंदर आपको बताई जा रही है। 13% जो है वो बराबर है 3% प्लस 10%। तो सपोज अगर ID ज़्यादा है IF प्लस चेंज इन EE, यानी कि डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा है फॉरेन इंटरेस्ट रेट प्लस एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन, इन दोनों चीज़ों से अगर ज़्यादा है तो फिर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा है। ये ऊपर वाली ही एग्जांपल दिखाई जा रही है जो आपको विजुअली दिखाई गई। और अगर
डोमेस्टिक जो इंटरेस्ट रेट है वो कम है, फॉरेन इंटरेस्ट रेट प्लस एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन इन दोनों से कम है, तो फिर यूएस में इन्वेस्ट करने का फायदा होगा। क्योंकि जब बाहर इन्वेस्ट करेंगे तो दोनों चीज़ों को देखा जाएगा, एक तरफ जो रेट है एक्सचेंज रेट उसको भी देखा जाएगा और साथ में वहाँ जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है उसको भी देखा जाएगा, दोनों को मिला के देखा जाएगा, कंपेयर डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट से। उसके बाद है फिर करंट अकाउंट डेफिशिट। अब आप रिकॉल करें इकोनॉमिक कंडीशन, पिछले लेसन्स के अंदर आपको बताई गई थी कि विड्रॉल्स जो है वो इंजेक्शन के बराबर होते हैं, जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का विड्रॉल होता है वो बराबर होता है इंजेक्शन के। विड्रॉल को W से डिनोट किया जाता है और इंजेक्शन को J से। W बराबर है J के, यानी कि विड्रॉल बराबर हुआ इंजेक्शन के। STM जो है वो विड्रॉल है, यानी कि सेविंग टैक्स और इम्पोर्ट। और IGX जो है वो इंजेक्शन है, यानी कि इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एक्सपोर्ट। एक तरफ हम M और X को कर लेंगे, यानी कि इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट कर लेंगे, और दूसरी तरफ बाकी चीज़ें। I माइनस S यानी कि इन्वेस्टमेंट माइनस सेविंग प्लस G माइनस T विच इज़ द गवर्नमेंट स्पेंडिंग माइनस टैक्सेस। जो करंट अकाउंट डेफिशिट है वो बराबर है प्राइवेट सेक्टर रिसोर्स डेफिशिट प्लस गवर्नमेंट बजट डेफिशिट, इन दोनों के बराबर होगा करंट अकाउंट डेफिशिट, प्राइवेट सेक्टर रिसोर्स डेफिशिट और साथ में जो गवर्नमेंट बजट डेफिशिट है। सो हाउ टू रिड्यूस करंट अकाउंट डेफिशिट, अब किस तरीके से करंट अकाउंट का जो डेफिशिट है उसको कम किया जाए, उसको घटाया जाए। सो डीवैल्यूएशन इसके अंदर मदद कर सकती है। डीवैल्यूएशन से क्या होता है कि अपनी करेंसी की जो वैल्यू है उसको गिराया जाता है, उसकी प्राइस को गिराया जाता है। और डीवैल्यूएशन से फिर ये फायदा होता है अपनी करेंसी की प्राइस को गिरा के कि जो एक्सपोर्ट होती है उसके अंदर इजाफा हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ें एक्सपोर्ट की जा रही होती हैं उनकी भी फिर प्राइस गिर जाती है करेंसी की प्राइस गिरने की वजह से। एक्सपोर्ट के अंदर इजाफा होता है और इंपोर्ट जो होती है उसके अंदर कमी आ जाती है, और उससे जो है वो कमी आना शुरू हो जाती है करंट अकाउंट डेफिशिट के अंदर। लेकिन ये पॉलिसी हर कंट्री के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है, ये भी एक चीज़ है। तो ये हुआ लेसन नंबर 37 यहाँ पर कंप्लीट। आपको अगर इस बारे में कोई कन्फ्यूजन है या इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए, और ये हाइलाइटेड हैंडआउट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले इसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।